नमस्कार, खबर समय स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। दतिया, चिड़िया रानी चुगेगी दाना पिएगी पानी, उक्त पंक्तियों को दोहराते हुए कलेक्टर संजीव कुमार ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में पक्षियों के लिए सकोरों में दाना और पानी भरकर दाना पानी अभियान का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि हम दाना पानी अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। इसका उद्देश्य जिले वासियों एवं सकल समाज के लोगों को ये संदेश देना है कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, खासकर अपने जिले में ज्यादा भीषण गर्मी का प्रकोप रहता है जिससे हमारे वातावरण में रहने वाले जीव जंतु, खासतौर पर छोटी छोटी चिड़ियां, जिनके लिए पानी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। पानी के अभाव में इन नन्ही चिड़ियों की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए हम सभी लोगों को अपने घरों की छत पर, आंगन में, बगीचे में, अपने कार्यालयों एवं जहां भी संभव हो वहां इन पक्षियों के लिए सकोरे रखकर उनमें दाना व पानी अवश्य डालें। कार्यक्रम में वन मंडल अधिकारी प्रियांशी सिंह राठौर, एडीएम रुपेश उपाध्याय, जिला पंचायत सीईओ कमलेश भार्गव, एसडीएम ऋषि कुमार सिंघई, जिला पंचायत सीएसईओ धनंजय मिश्रा, महिला एवं बाल विकास अधिकारी अरविंद उपाध्याय, एमपीईबीडी अभिषेक मिश्रा, आदिम जाति कल्याण विभाग अधिकारी विनीत त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। खुशहाली आज हम लोग दतिया जिले में दाना पानी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और इसका उद्देश्य लोगों को, दतिया जिले के लोगों को और सकल समाज के लोगों को ये बताना है, ये संदेश देना है। गर्मी का दिन आ चुका है और इस भीषण गर्मी में, खासतौर से दतिया जिले में तो बहुत ही भयानक गर्मी पड़ती है और जब हमारी स्थिति खराब हो जाती है तो निश्चित तौर से हमारे आसपास के वातावरण में जो जीव जंतु है, खासतौर से चिड़िया, बहुत छोटी जीव, और पानी ढूंढना मुश्किल हो जाता है और ऐसे में कई चिड़िया की डेथ पानी के अभाव में हो जाता है। इस प्रकार से हम अगर अपने घरों, अपने मुनेरों, अपने कार्यालय के आसपास जहां कहीं भी आप संभव हो, अगर चिड़िया के लिए पानी की व्यवस्था, अगर दाने की व्यवस्था नहीं कर सके तो पानी की व्यवस्था आप करेंगे। दाना तो ईश्वर उनको कहीं ना कहीं से प्रोवाइड कर देता है, बट पानी पे हम लोगों ने ज़्यादा कब्जा कर लिया है तो इसलिए चिड़िया के लिए पानी की कमी पड़ जाती है और तो इससे बड़ी हेल्प हो जाती है। मैंने अपने बंगले में लगाया है और इतने कौए, ये आप देख करके, कम से कम एक साथ 200-300 कौए बैठते हैं पानी पीने के लिए और एक अलग ही नज़ारा होता है, संतोष का कारण भी। तो हम सभी से एक बार फिर अपील करते हैं कि जहाँ कहीं भी अपने घरों पे, अपने छतों पे, अपने मुड़ेरों पे, आंगन में, जहाँ कहीं भी हो, गार्डन में दो चार ऐसे पॉट्स बहुत सस्ते आ जाते हैं, आप लगा दीजिए और रोज़ उसमें पानी भर दीजिए। बहुत ही संतोष का कारण है और पर्यावरण और प्रकृति के लिए आपकी जो सद्भावना है उसको रिफ्लेक्ट करेगा। खबर समय जगत के लिए दतिया से सतीश सिहारे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel.